चलिए पत्रकारिता को हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो बेसिक जो समाचार पत्रों का इतिहास है, स्टार्टिंग हिस्ट्री है, वो हम लोगों ने लिखा। एक है कृष्णदास पाल, इनको पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता, भारतीय पत्रकारिता का। तो इसको नोट कर लीजिए, कृष्णदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। कृष्णदास पाल इज कॉल्ड कृष्णदास पाल इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंडियन प्रेस। प्रिंस ऑफ, ये हिंदू पैट्रियट के संपादक भी थे, हिंदू पैट्रियट के संपादक भी थे। बेसिक हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने संपादित किया था, बट बाद में ये भी जुड़ गए, इनका भी इससे संबंध है। तो दो लोग हिंदू पैट्रियट से हैं, ठीक है। एक्चुअली भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में स्थापित करने की जो विशेष क्रेडिट है वो इनको दिया जाता है, इसलिए भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो पत्रकारिता है उसमें थोड़ा राष्ट्रवाद, भारतीयता झलकती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ पत्र हैं इस समय के, जैसे 1862 टाइम्स ऑफ इंडिया, संपादन किसने किया, प्रकाशन 1862 टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया तो अभी भी है, कौन है इसका, वो उसके संपादक हैं रॉबर्ट नाइट। 1868 अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष भी हैं, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, बंगाली में। बाकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाली कहानी तो हमने कल बताई दी थी, इसके साथ जो हुआ है ना, बंगाली में थी, रातों रात इसने अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया बचने के लिए, किससे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। तो उसका शिकार हो गया, फिर उसका शिकार कौन हुआ, सोम प्रकाश। 1861 इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन राय, मनमोहन घोष नॉट राय, एक नाम हेडिंग के रूप में लिखे, बाल गंगाधर तिलक, इनकी पत्रकारिता का जो योगदान है थोड़ा सा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें समाचार पत्र के कारण जेल हुआ, बाल गंगाधर तिलक। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट प्रिजन ड्यू टू जर्नलिज्म, पत्रकारिता ड्यू टू जर्नलिज्म। इन्हें दो समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। ही पब्लिश टू न्यूज पेपर्स, एक तो है इनका तिलक का, वो है केस मराठा, एक मराठा है, इसकी भाषा अंग्रेजी है, और इसके को एडिटर सह संपादक किलकर, एडिटर है किलकर। एट्टीन एट्टी वन, और दूसरा इनका 1881 में ही केसरी, 1881 में ही दूसरा है केसरी, और इसकी भाषा जो है मराठी है, लिख लीजिए लैंग्वेज मराठी है, और इसके सह संपादक आगरकर है। मराठी लैंग्वेज को ऑडिटर हो गए इसके आगरकर, दो पत्रों से जुड़े रहे हैं। पत्रकारिता कारण इनको ही सबसे पहले जेल हुआ था। एक हत्या हुई थी, और उस हत्या को उन्होंने अफजल खां द्वारा, शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से जोड़ के प्रस्तुत किया था। वो कौन सा मर्डर है,
शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या जो की गई थी, तो भारतीय इतिहास में इस घटना को भारतीयता परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जैसे राम रावण युद्ध में रावण की स्थिति है वैसे अफजल खां की स्थिति है, ठीक है। इस हिसाब से विलेन के रूप में उसको उठाया गया है और इन्होंने उसको जोड़ दिया है। एक्चुअली क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है और चापेकर बंधुओं ने एक हत्या कर दी थी क्रांतिकारी महाराष्ट्र में ही, और उस घटना की तुलना इन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी। क्रांतिकारी आंदोलन 1905 के बाद 1905 से 1919 तक का जो बीच का रहा है वो क्रांतिकारी आंदोलन का दौर रहा है। क्रांतिकारी उग्रवादी आंदोलन, गोली बम बंदूक टिट फॉर टैट, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। अब किसकी हत्या की थी ये तुरंत, लेकिन चापेकर बंधु ने एक मर्डर किया था, पहली राजनीतिक हत्या बताई जा रही है भारतीय इस आंदोलन में, पहली राजनीतिक हत्या है, किसी पॉलिटिकल रीजन से हत्या की गई थी, उसकी तुलना इन्होंने करी, ठीक है। तो बाकी राष्ट्रवाद के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है तिलक का, वो दो उत्सवों को मनाने के लिए रहा है, कौन सा? एक तो गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव में एक कार्यक्रम है, ठीक है, उससे भी मराठी राष्ट्रवाद को प्रमोट किया गया। और ये सब दोनों उत्सवों का मूल रीजन ये था कि इसमें अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते थे खास मौके पर, ओकेशन पर, तो फिर अपनी बातें शेयर की जा सकती थी। और क्योंकि उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता था कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, गैदर किया जाए। आज के समय में तो कोई भी बात हो तुरंत की तुरंत वायरल हो जाती है, बैठे बैठे पूरे देश में, देश के बाहर भी पहुंच जाती है, लेकिन ये सुविधा, ये तो बहुत लेटेस्ट सुविधा है। आज के आप 20 साल पहले की बात करो तब भी थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन हाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पर काम किया था। लेकिन आप उस समय की आप सोचो, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जब हमें लोगों को इकट्ठा करके ताकत इकट्ठा करनी है, बल इकट्ठा करना और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग करना है, ऐसे में लोगों को एकजुट करने का कार्यक्रम, ये दोहरा टारगेट, मतलब ये एक प्रकार से कहा जाए तो दो उद्देश्य लेके चलना पड़ता था। एक तो वो आए और जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के बुलाए गए उसको फॉलो करें, और दूसरा उनमें आपस में यूनिटी तो बने, क्योंकि इकट्ठा होकर अगर लड़ना है तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि उनके आपसी एकता को प्रमोट करना है और फिर उस बल को लेकर के अंग्रेजी राज या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाना है, ठीक है। तो ये दोहरा चैलेंज था, दो चैलेंज होते थे उस समय। तो ये सब जो कार्यक्रम तय किए गए थे, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये सब कल्चरल चीजें हैं। तो कल्चरल चीजों के कारण उनकी आपसी एकता को मेंटेन किया जाता था, और साथ ही साथ यही वो ओकेशन है जब लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो दोनों चीजें जानबूझ के इकट्ठा तो होली मिलन में भी किया जा सकता, होली के त्यौहार में भी इकट्ठा किया जा सकता, एक बड़ा सा कार्यक्रम होली मिलन का, कुछ दावत वगैरह का हिसाब किताब ठीक ठाक रख दिया जाता, खाने का, होली के अनुसार पीने का, तो काफी लोग इकट्ठा हो सकते थे। लेकिन वो आपकी बात सुन तो लेते, फॉलो हो पाता नहीं हो पाता पता नहीं, क्योंकि उनकी आपस की यूनिटी का कोई उसमें कोई ऐसा रचनात्मक इसमें इशू नहीं है जिससे उनके आपस की यूनिटी मेंटेन हो। अब शिवाजी को दिखा दिया अफजल खां को मारते हुए, इसमें किस प्रकार से एक यूनिटी और एक बड़ी ताकत को पराजित करना, एक छोटी ताकत पराजित कर रही है, और यूनिटी का, आपसी एकरूपता का, भेदभाव ना होने का क्या बल है ये। या गणित उत्सव को उठाया गया तो धार्मिक सांस्कृतिक रूप से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया कि आखिर हम सबके भगवान एक हैं, इसके लिए हम सब इकट्ठा होते, अगर हम पर संकट है तो सब पर संकट है, तो कुछ अपने विरोधाभास स्थितियों को किनारे करके एकजुट होकर के हम इस लीडरशिप का सहयोग कर सकते हैं। ये फंडामेंट होता है। तो इन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया, रचनात्मक उद्देश्यों को शामिल किया, लोगों को एकजुट किया और राष्ट्रवाद को भी प्रमोट किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ताकत बनाई भी, ठीक है। तो ये दो इनके कार्य हैं। बाकी कुछ एक दो पत्र और भी हैं उस समय के, तिलक की बात की जा रही है, जैसे 1682
1862 राणा डे का एक पत्र है, लिखवाए नहीं, राणा डे का एक पत्र है 1862 में, इंदू प्रकाश 1862 पब्लिश्ड इंदू प्रकाश बाई राणा डे। ठीक है, तो पत्रकारिता में तिलक का योगदान उस समय के, ठीक है, तो पत्रकारिता की स्थिति देखा, उसमें भाषा अलग अलग भी थी, अंग्रेजी भाषा ज़्यादा है, ठीक है, भारतीय भाषा एक कम है, लेकिन भारतीय भाषा, अब हिंदी भाषा की पत्रकारिता की आप चर्चा कीजिए, हिंदी भाषा का प्रमोशन और इस्टेब्लिशमेंट कब, कैसे और किन किन पत्रों के माध्यम से हुआ, तो एक हेडिंग डाल लीजिए हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र पता है किसी को? उद्दंड मार्तंड, जुगल किशोर, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिंदी लैंग्वेज वॉज उद्दंड मार्तंड पब्लिश्ड बाय जुगल किशोर इन 1826 पब्लिश्ड बाय जुगल किशोर इन 1826। ठीक है, हिंदी में ही एक अन्य समाचार पत्र हिंदुस्तान था, वन अनदर न्यूज़पेपर ऑफ हिंदी वॉज हिंदुस्तान, वन अनदर न्यूज़पेपर हिंदुस्तान विच वॉज पब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय एंड प्रताप नारायण मिश्र, मदन मोहन मालवीय एंड प्रताप नारायण मिश्र, मदन मोहन मालवीय एंड प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र जो है हिंदी भाषा के क्या रहे हैं, ये आत्मकथाकार रहे हैं कि आलोचक रहे हैं कि निबंधकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं उस समय की जो हिंदी का जो भी लेख है अंग्रेजों, अब चूंकि ये सब देखिए राष्ट्रवादी लड़ाई में सारी चीजों को शामिल किया जा रहा है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज की आलोचना ही स्पेशली है इसमें शामिल की गई है, ऐसी ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है जिसमें एक स्पेशल पॉलिसी के अगेंस्ट जो है आलोचना को प्रमोट किया गया, ठीक है, तो आलोचक ही थे एक प्रकार से, और भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु युग के, ये शायद भारतेंदु युग के ही रहे हैं ना, पता नहीं क्यों जानने दो, भारतेंदु युग के ही शायद रहे हैं। चलिए कुछ और पत्र लिख लिए हिंदी भाषा के, हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, ध्यान दे उसका नाम है हिंदुस्तान, ऐसा है। फिर है भारत मित्र, भारत मित्र प्रकाशक मुकुंद गुप्त, भारत मित्र प्रकाशक मुकुंद गुप्त ज्ञान, अगली है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका
ज्ञान प्रदायनी, इसको ऐसे लिखना है हिंदी में, मैगजीन, ज्ञान प्रदायनी मैगजीन, ज्ञान देने वाली मैगजीन, ठीक है। ये प्रकाशित किया है नवीन चंद्र राय, नवीन चंद्र राय एक बड़ा पॉपुलर है, पूछा भी गया यूपीपीसीएस में। कवि बच्चन सुधा पढ़ा है सबने, पढ़ा तो सबने है, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। कवि बच्चन सुधा, क्योंकि हिंदी ये कंपलसरी है इंटरमीडिएट तक, नहीं है, हिंदी कंपलसरी है इंटरमीडिएट तक, एक पेपर इसका होता ही है, कंपलसरी तो आईएएस में भी है। कवि वचन सुधा, अब किसी को याद हो इतनी पुरानी बात, बहुत पुरानी भी नहीं है, नहीं चलिए लिखे भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा भी इन्होंने लिखी थी, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ लिखी गई चीजें, भारत दुर्दशा, कवि वचन सुधा। फिर एक है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ये प्रकाशित किया है बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट लिखिए। तो ये कुछ हिंदी की खास पत्रिकाएं हैं, जुगल किशोर आपने लिखा उसको कानपुर से, कानपुर से लिखा है, फ्रॉम कानपुर, वो जो उद्दंड मारतंड है ये भी लिख लीजिए, फ्रॉम कानपुर, कानपुर से। अब आइए थोड़ा 20वीं शताब्दी के समाचार पत्र, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स ऑफ 20th सेंचुरी, या स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, शुरुआत का लिख लीजिए थोड़ा सा, जैसे इंडियन रिव्यू है, फटाफट नोट कीजिए इंडियन रिव्यू, केवल नाम ही लिखना, इसीलिए मैंने कहा था पूरी लिस्ट निकाल के पढ़ लेना इसको, फिर भी थोड़ा कैटेगराइज तो हम कराएंगे ही। इंडियन रिव्यू 1900 में जे ए नटेशन, 1900 जे ए नटेशन, हो गया। फिर है मॉडर्न रिव्यू, मॉडर्न रिव्यू, ये रामानंद चटर्जी 1907 से प्रकाशक है, तो उसे डैश करके नाम लिख लीजिएगा, बाकी तो सब अंडरस्टूड है, समझ गए। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी 1907, 1907। फिर है बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, बी जी हार्डिमन और फिरोज शाह मेहता, बी जी हार्डिमन और फिरोज शाह मेहता, उन्नीस सौ तेरह, 1913। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, इसको तो पता ही होगा सबको, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, है एनी बेसेंट, क्योंकि इसके पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है आपकी उत्तर पुस्तिका में, ये डाउनलोड है पहले से भी।
ठीक है। तो न्यू इंडिया एंड कॉमन पूछा जाता है, ध्यान रहे एनी बेसेंट का है, इसी में ऐड कर लीजिए थोड़ा सा एडिंग कंटेंट है कि न्यू इंडिया का पुराना नाम मद्रास स्टैंडर्ड था। न्यू इंडिया का पुराना नाम मद्रास स्टैंडर्ड था। द ओल्ड नेम ऑफ न्यू इंडिया वॉज मद्रास स्टैंडर्ड। चलिए ठीक। द इंडिपेंडेंस, इसमें से क्या पूछ लिया जाए कुछ भरोसा नहीं है, तो हम इसमें इंपॉर्टेंट टिक नहीं कर सकते, ये जहां ध्यान रहे सब इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस और सारे प्री के मुद्दे हैं, मेंस का कोई लेना देना नहीं इसका। समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू 1919, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल के बारे में सुना है ना, जवाहरलाल नेहरू के पुत्र थे, पिताजी थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। 1919। एक है आज, समाचार पत्र आज भी आता है, आज कम चलता है, पहले चलता था, अभी 10 साल पहले इसका काफी ठीक ठाक क्रेज था, थोड़ा सा इसका जो है क्रेडिबिलिटी घटी है। शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। और एक है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, के एम पन्निकर 1923, के एम पन्निकर, सिख इतिहासकार भी हैं ये के एम पन्निकर। द्वैत शासन पर इन्होंने कमेंट किया था, रॉबर्ट क्लाव का द्वैत शासन है, उस पर अच्छा खासा कमेंट है, एक बार उनका कमेंट पूछा भी गया है, क्या कहा था, द्वैत शासन पर इनका कमेंट है केम पन्निकर का। अब ये सब चीजें जैसे पुरानी है, रिलेटेड है, तो अगर इम्पोर्टेंट है तो नाम आते ही वो सारी चीजें बिल्कुल याद आ जानी चाहिए मटल पटल पर, जैसे कि केम पन्निकर, फिर इन्होंने ये भी कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तुरंत आ जाना चाहिए, ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। यानी तो केम पन्निकर ने क्या कहा था द्वैत शासन पर, द्वैत शासन तो पढ़ा है ना, डुअल रूलिंग सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने कब लागू किया था, प्लासी के विजय के बाद कि बक्सर के, अब और फंसा मामला, प्लासी के नहीं, प्लासी के बाद वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं था, जीत तो गए लेकिन कुछ भरोसा नहीं था कैसे जीत गए, बक्सर के बाद 1765 द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर के 1765 में ये लागू हुआ है द्वैत, इसको डाकू राज्य कहा है, के एम पन्निकर ने डाकू राज्य कहा है, स्टेट ऑफ रॉबर्स। और इन्हीं के साथ फिर एक लोगों का और कमेंट हुआ है, परसिवल स्पेयर, ब्रिटिश इतिहासकार हैं परसिवल स्पेयर, उन्होंने क्या कहा है, अब नाम आया है तो सारी चीजें याद आ जानी चाहिए ना तुरंत, उन्होंने कहा है लूट और बेशर्मी का काल, लूट और बेशर्मी का काल, तो लूट तो समझ ही रहे हो, बाकी बेशर्मी वो भी समझ ही रहे हो सब लोग, लोग बुरा करता रहे हैं, अच्छा नहीं बता रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, फिर भी हम करते जा रहे हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है फिर भी हम करते चले जा रहे हैं, कोई मना कर रहा भाई मत कर, डोंट केयर, बेशर्मी, यही तो है। परसिवल स्पेयर, लूट और बेशर्मी का काल, द्वैत शासन, के एम पन्निकर, डाकू राज, किसको, द्वैत शासन को। चलिए इनका नाम आया तो दो तीन चीजें एक्स्ट्रा आ गई, बाकी यहां से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ खास 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के कुछ समाचार पत्र हैं, थोड़ा सा लिख रहे हैं तो लिख ही लीजिए, क्या करना है, बाकी चले 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के कुछ समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स रिलेटेड सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी,
सेकंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। स्पार्क, स्पार्क के एम जी देसाई साम्यवादी पत्रिका है, बहुत सोच समझ के नाम दिया इन्होंने। जिस प्रकार से ये पॉजिटिव नेगेटिव का ये वैसे समाज में जो सामाजिक विभेद है इसी स्पार्क, तो ये इसी साथ देखा किस प्रकार जातियां आपस में मिलती हैं तो कैसे स्पार्क होता है, लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर ये होता है दूर चलो हटो, इकट्ठा होना नहीं है। तो जस्ट कंप्लीटली अपोजिट टू यूनिटी अथवा तो यूनिफिकेशन, इसको लेकर के इन्होंने पूरा स्पार्क में, ठीक है, नाम से इतना तो अब अंदर स्पार्क तो मैंने भी नहीं पढ़ा, इतना तो इस नाम से क्लियर हो रहा है। तो अगर विशेषता में आए तो कुछ ऐसे ही है, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ साम्यवादी पत्रिका है। इसके बाद न्यू स्पार्क, ये अंग्रेजी भारतीय ये लड़ रहे हैं, न्यू स्पार्क लेस्टर हचिंसन, ये भी साम्यवादी हैं, लेस्टर हचिंसन LESTURE हचिंसन, लेस्टर हचिंसन ये भी साम्यवादी हैं। इसके बाद एक है वेन गिरार्ड ये एम एन राय और ये भी साम्यवादी है, कम्युनिस्ट। साम्यवादियों का मुद्दा जानते हो क्या होता है? साम्यवादियों का मुद्दा यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के जो लोग हैं, उनको इस आधार पर घृणित अथवा तो हे अथवा तो हेटेड ना माना जाए कि वो गरीब हैं, उनकी जो भी हैसियत है उस हैसियत के मालिक हैं, आपकी जो भी हैसियत है आप उस हैसियत के मालिक हैं। तो इस हिसाब से मालिक तो आप भी मालिक हैं, वो भी मालिक है, बस ये है कि आपके पास 100 बीघे उसके पास 1 बीघे है ना, आपके पास बड़ा सा महल है आप महल के मालिक हैं, वो झोपड़ी का मालिक है। ये कह रहा है ये नजरिया फैलाओ, वो झोपड़ी का गरीब मत कहो, उसको झोपड़ी का मालिक कहो। ये साम्यवादी मूवमेंट, ये जो मजदूर संघ आंदोलन एमन राय ने तो काफी इस पर किया है, इनका यही इशू था कि मजदूरों को मजदूरी ही करने दो, उनको मालिक मत बनाओ, क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं है। उनको आप इंजीनियरिंग, आप बहुत साम्यवादी लड़ाई लड़ने के बाद उनको बहुत साम्यता स्थापित करना चाहो तो इंजीनियर को हटाओ, मजदूर को बिठा दो उसके ऊपर स्थान पर, लेवल बराबर हो जाए, ऐसा नहीं करना है। मजदूर को मजदूर ही रहने दो, वो सैलरीड ही है, ठीक है, उसको सैलरी, वो दास शब्द जो दासता का जो एक भाव आता है ना उसके खिलाफ इस कारण, क्योंकि वो मजदूरी करता है, ये नहीं होना चाहिए। वो 2000 की सैलरीड उसको ना माना जाए, बल्कि इस पूरी कंपनी में 2000 का उसे हिस्सेदार माना जाए। उसका जो योगदान है इस पूरी फैक्ट्री में, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उतनी हिस्सेदारी का जितना वो पाता है, एक्चुअली उतनी हिस्सेदारी का वो मालिक है उतने का। अब उसका योगदान ही इतना है तो उतने का मालिक है। इससे दो चीजें होती हैं, उन्होंने कहा इससे तो एक तो प्रमोशन होता है, वो हिस्सेदारी बढ़ाए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओ, अगर आपको ये कर दोगे कि आपकी सैलरीड है पर ये फिक्स आगे नहीं बढ़ना है, तो ये जो साम्यवादी हैं इसकी लड़ाई ज्यादा लड़े और जितने ये हैं साम्यवादी, ये पत्रिकाएं आपने लिखा है ये सब इसी की बात, मजदूर और इन सब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। इसीलिए जब आधुनिक भारतीय संविधान आया तो इसमें साम्यवादी और राष्ट्रवादी दो तत्वों को ऐसा इसमें समाहित करके प्रस्तुत किया गया कि किसी को बुरा न लगे और कोई कुछ बोल न पाए। जैसे कहा कि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को राज्य कुछ विशेष व्यवस्था करेगा, उसने ये कहा ही नहीं कि इस जाति को विशेष व्यवस्था करेगा, इन्हें कहा है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों। अब पता करो आर्थिक रूप से पिछड़ा कौन है,
तो भैया बहुत जनसंख्या ऐसे तो नहीं पता हो पाएगा, एक एक करके पूछो भैया पिछड़े हो, है ना। तो कहा कि आप ऐसे में समाज को, अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े की बात करते हैं, तब फिर ये डिक्लेरेशन आता है कि पर्टिकुलर वर्ग के लोग, जाति के लोग पिछड़े हैं। तो ये जाति उनके पहचान के लिए आया है, बल्कि उनके नॉमिनेशन के लिए नहीं आया कि इस नॉमिनेशन को नॉमिनेट किया जाए, पहचान के लिए ये जाति या इस वर्ग के लोग पिछड़े हैं, इनको विशेष व्यवस्था की जाए। ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है वो पिछड़े लोगों के लिए किया गया, जाति के लिए जाति तो उनकी पहचान स्थापित करे कि ये पर्टिकुलर लोग, लोग कौन है, परिचय उनका आधार कार्ड है ये। अब इसका राजनीतिकरण क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं, इसका राजनीतिकरण बहुत जबरदस्त हुआ है। तो आर्थिक मामला का अभी साम्यवादी भी कुछ बोल नहीं सकते, अब ये लोग भी नहीं बोल सकते, जाति भी डाल दिया, जाति भी डाल दिया भाई, ये परिचय के रूप में थे, ये भी खड़े होते तलवार उठाए थे फिर रख दिए म्यान में, फिर जाने दो यार रख दिया। और आर्थिक रूप से पिछड़े तो वो उठाए थे कि देखो मेरा नाम ना आएगा बताएंगे अभी, उनका भी नाम आ गया सामने। तो दोनों लोगों को अच्छा मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा मैनेजमेंट है, तो इस प्रकार से ठीक है। तो कुछ 20वीं शताब्दी, इसके बाद गांधी जी का भी बड़ा योगदान रहा है पत्रकारिता में, गांधी जी के नाम से आप नोट कर लीजिए, हालांकि गांधी जी आगे मिलते ही रहेंगे, कुछ दो चार पत्र अलग से लिख लीजिए क्योंकि पूछ ले जाते थे स्पेशल याद रखना चाहिए। तो गांधी जी, गांधी जी से मतलब है महात्मा गांधी, बिल्कुल क्लियर रहिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, गांधी बहुत है तो महात्मा गांधी, गांधी जी महात्मा गांधी। गांधी जी के दो समाचार पत्र विशेष थे, ठीक है, टू न्यूज़पेपर्स, गांधी जी रिलेटेड विद टू न्यूज़पेपर्स, वन 1919 यंग इंडिया, 1919 यंग इंडिया से, वन इज 1919 यंग इंडिया, और सेकंड है, दूसरा है 1933 हरिजन, 1933 हरिजन। हरिजन तीन भाषाओं में थी, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। हरिजन इज पब्लिश्ड, वॉज पब्लिश्ड इन थ्री लैंग्वेज, हरिजन वॉज पब्लिश्ड इन थ्री लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती, ठीक है।